बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है आरोह। आरोह के अंतर्गत हम गद्य खंड का अध्ययन कर रहे हैं, अध्याय है 2 और हमारी लेखिका है वो है कृष्णा सोबते। बच्चों, हमारा जो पाठ है उसका नाम था मियाँ नसरुद्दीन। जो मियाँ नसरुद्दीन है वो लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया एक शब्द चित्र हम असमत से लिया गया है। मैंने आपको ये बात शुरुआत में ही बताई थी। तो बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक में मियाँ नसरुद्दीन से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न यहाँ आए हैं, उन अभ्यास प्रश्नों को हम यहाँ करने का प्रयास करेंगे। तो देखो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, मियाँ नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता था? तो बच्चों, नान भाइयों का अर्थ तो आप सबको पता ही है। नान भाइयाँ कौन होती हैं? ये होती नहीं है बच्चों, ये क्या है, केवल रोटी पकाने वाले वो पुरुष होते हैं जिन्हें नान भाइयाँ कहा जाता है, यानी जो कि शाही दरबार से ही, यानी शाही समय से ही जो चपाती बनाते हुए आए हैं उन्हें नान भाई कहा जाता है। तो मियाँ नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा, मसीहा मतलब राजा, क्यों कहा जाता था? देखो बच्चों, मियाँ नसरुद्दीन थे वो खानदानी नान भाई थे, यानी उनके जो पूर्वज थे, उनके जो बुजुर्ग लोग थे, वो शुरू से ही राजा महाराजाओं के या बादशाहों के यहाँ चपातियाँ बनाते हुए आए थे, तथा वो इस कला में पूरी तरह पारंगत थे, यानी कई तरीके की रोटियाँ बनाने में पूरी तरह पारंगत थे, यानी निपुण थे। उन्हें ये रोटियाँ बनाना, कई 56 तरह की रोटियाँ उन्हें बनानी आती थी। कई पीढ़ियों से उनके यहाँ नानबाई का कार्य होता रहा था। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कोई कारीगर कोई काम करता रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम चलता रहता है, उसी प्रकार जो रोटी बनाने का काम था वो जो मियाँ नसरुद्दीन थे उनका खानदानी काम था, जो परंपरागत यानी पुराने समय से चला आ रहा था। वे सब प्रकार की रोटियाँ बनाने में कुशल थे, यानी वो 56 तरह की रोटियाँ बना सकते थे और शहर के सबसे बड़े नानबाई के रूप में जाने जाते थे। यानी जो मियाँ नसरुद्दीन थे वो क्या थे, खानदानी नानबाई थे और शहर के सबसे बड़े नानबाई के रूप में जाने जाते थे। और प्रसिद्ध नानबाई होने के कारण उन्हें नान भाइयों का मसीहा कहा गया है, क्योंकि वैसे तो बहुत बहुतेरे उनके अनुसार, मियाँ नसरुद्दीन के अनुसार बहुतेरे नान भाई है यहाँ पर, लेकिन खानदानी नान भाई कौन थे, मियाँ नसरुद्दीन थे, इसलिए उन्हें नान भाइयों का मसीहा कहा गया है। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? मतलब जो लेखिका कृष्णा सोबती थी वो मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई? ये वो वास्तव में जा नहीं रही थी, वो तो उनको संजोग ऐसा पड़ा कि वो उनकी दुकान के पास से निकली और जब उन्होंने उनकी दुकान के ऊपर कुछ लिखा हुआ देखा तो वो वहाँ पहुँच गई। तो देखो, लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास जब पहुँची तो वह उनसे कुछ सवाल जानना चाहती थी। तो लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास कुछ सवाल पूछने गई थी, वह जानना चाहती थी कि नान भाई की कला उन्होंने कहाँ से सीखी। वो केवल मियाँ नसरुद्दीन से ये जानना चाहती थी कि रोटी बनाने का जो हुनर है वो आपने कहाँ से सीखा और रोटियाँ कितने प्रकार की बनती है, यानी कि वो कितने प्रकार की रोटियाँ बना सकते हैं, उनमें कितना हुनर है, तथा उन्हें नान भाई के रूप में इतनी प्रसिद्धि क्यों और कैसे मिली। यानी लेखिका ये सब चीज़ें जानने के लिए किसके पास गई, मियाँ नसरुद्दीन के पास में। वास्तविकता में क्या था कि लेखिका कहीं से गुजर रही थी मटैया महल के पास से और उनकी नज़र जब मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर पड़ी तो वो वहाँ पहुंच गई और पहुंच करके जब उन्हें पता चला कि कोई पुरुष, मतलब जो खानदानी है और इस तरह रोटियां बनाते हुए आ रहे हैं, तो उनके मन में उत्सुकता जागी और वो मियाँ नसरुद्दीन से कुछ सवाल पूछने वहां बैठ गई, जिनमें से वो सवाल थे कि नानबाई की कला उन्होंने कहां से सीखी और वो किस प्रकार और कितने प्रकार की रोटियां बना सकते हैं और नानबाई के रूप में वो इतने प्रसिद्ध कैसे हुए। तो वस्तुतः यह प्रसिद्ध नानबाई मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व एवं हुनर के बारे में जानने के लिए उनके पास गई थी, यानी कि कुल करके लेखिका जो प्रसिद्ध नानबाई मियाँ नसरुद्दीन थे उनके पास उनके व्यक्तित्व के लिए, यानी उनका कैसा, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनका व्यक्तित्व कैसा है और उनकी जो कला है, जो उनका हुनर है, उन्होंने कैसे अपने पूर्वजों से उस हुनर को किस तरीके से सीखा और किस प्रकार वो आगे आने वाली पीढ़ियों को सिखाएंगे, इसके बारे में जानने के लिए वो मियाँ नसरुद्दीन के पास गई थी। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? देखो बच्चों, लेखिका ने जब बातें कर रही थी मियाँ नसरुद्दीन से, बात ही बातों में मियाँ नसरुद्दीन ने कहा, हमारे दिमाग में एक बात घूम गई है लेखिका से। हम आपको बताते हैं कि एक बार बादशाह ने क्या कहा था हमारे पूर्वजों से कि मियाँ इस तरीके का पकवान बनाओ जिसमें आग और पानी दोनों का काम ना हो, और हमारे पूर्वजों ने वो पकवान बनाया और बादशाह
बादशाह ने खूब तो खाया और खूब सराया। अब लेखिका के दिमाग में ये बात आ गई कि ये जो नानबाई के जो पूर्वज थे मियाँ नसरुद्दीन के, वो बादशाहों के यहाँ काम किया करते थे नानबाई का, तो वो कौन से बादशाह थे जिनके यहाँ काम किया करते थे। तो उन बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही जब वो मियाँ नसरुद्दीन से नाम पूछने लगी कि आप मुझे उन बादशाहों का नाम बताइए या वो समय बताइए कि वो कौन से बादशाह थे जिनके यहाँ हमारे पूर्वज काम किया करते थे। लेकिन मियाँ नसरुद्दीन को ये सब मालूम नहीं था। तो जैसे ही लेखिका बादशाह का नाम लेती है, नाम लेते ही मियाँ नसरुद्दीन की दिलचस्पी उसमें कम होने लगती है। तो देखो बच्चों, मियाँ नसरुद्दीन ने लेखिका को यह बताया कि उनके बुजुर्ग बादशाह के यहाँ नानबाई रहे हैं, यानी उनके जो पूर्वज थे वो बादशाहों के यहाँ नानबाई रहे हैं। जब लेखिका ने उनसे उस बादशाह का नाम जानना चाहा तो मियाँ नसरुद्दीन ने कोई ठीक ठाक उत्तर न दे सके। यानी मियाँ नसरुद्दीन को पता ही नहीं था, वो तो केवल इतना जानते थे कि उनके पूर्वज थे जो बादशाहों के पास काम करते थे, उन्हें बादशाहों की पीढ़ी का ज्ञान नहीं था। उन्हें तो केवल मालूम था कि हमारे पूर्वज वहाँ राजा शाही जो महल थे उनमें रोटियाँ बनाया करते थे। क्योंकि मियाँ नसरुद्दीन को या उन्हें स्वयं इस संबंध में कुछ पता नहीं था, इसलिए बादशाह के नाम का प्रसंग आने पर लेखिका की बातों में मियाँ नसरुद्दीन की दिलचस्पी खत्म होने लगी। यानी उन्हें एक तरीके की झुंझलाहट होने लगी, लेखिका तो बाल की खाल निकाल रही है, भाई बता दिया कि मैं मेरे जो पूर्वज थे वो बादशाहों के समय से ही काम करते थे, लेकिन लेखिका ये जानना चाहती थी कि उनके पूर्वज कौन से बादशाह के समय से काम किया करते थे। आगे देखो बच्चों, हमारा चौथा प्रश्न है, मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर यह मजमून ने छेड़ने का फैसला किया, यह मजमून ने छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। देखो बच्चों, मजमून का अर्थ होता है मामला या विषय, अंधड़ का अर्थ है तूफान। ये वो वाला तूफान नहीं है बच्चों जो प्रकृति में आता है, ये वो तूफान है जो किसी के चेहरे पे दिखाई देता है, यानी दबे हुए भाव, किसी के चेहरे पर दुख के जो दबे हुए भाव हैं, या दुख, गुस्सा, ग्लानी, क्षोभ, सारे जो भाव एक साथ दिखाई देते हैं, ये वो वाला अंधड़ है। तो मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख करके, आसार का यहाँ अर्थ है बच्चों भाव, देख करके मजमून ने न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख कीजिए। यानी कि क्या हुआ था, जब लेखिका मियाँ नसरुद्दीन का इंटरव्यू ले रही थी या उनसे बातचीत कर रही थी, तो लेखिका ने जब मियाँ नसरुद्दीन ने बब्बन मियाँ से ये कहा कि चलो चलो जल्दी से भट्टी सुलगाओ ताकि काम निपटाएं, तो लेखिका ने मियाँ नसरुद्दीन से पूछा बब्बन मियाँ के बारे में। किसके बारे में? बब्बन मियाँ के बारे में, जो मियाँ नसरुद्दीन के यहाँ काम करते थे। तो लेखिका ने जब बब्बन मियाँ के बारे में पूछा कि ये कौन है, तो मियाँ नसरुद्दीन ने रुखाई से कहा अपने कारीगर है। यानी लेखिका का दिमाग चल रहा था कि ये जो बब्बन मियाँ यहाँ बैठे हैं ये जरूर मियाँ नसरुद्दीन के बेटे हैं, लेकिन जब लेखिका के द्वारा मियाँ नसरुद्दीन से पूछा गया कि ये कौन है, तो उन्होंने बहुत रुखाई से जवाब दिया कि ये अपने कारीगर हैं, और कौन होंगे। लेखिका के मन में आया कि वे पूछ ले कि आपको बेटे बेटियाँ हैं, यानी आपके कोई बच्चे हैं या नहीं है, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। यानी कि लेखिका ने मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर जो भाव आए हुए थे दुख के, और थोड़ा गुस्सा भी था, थोड़ी ग्लानी भी थी, इन सब के जो भाव आए हुए थे यह देख करके, आसार यानी भाव देख करके यह मामला या यह विषय छेड़ने का फैसला किया। यानी अर्थात लेखिका ये पूछी कि आपके बच्चे हैं या नहीं है, तो हो सकता हो मियाँ नसरुद्दीन को कुछ बुरा लग जाता या ना उन्हें कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। अर्थात क्या था, लेखिका समझ गई कि मियाँ नसरुद्दीन बे औलाद है। बे औलाद का मतलब है उनके कोई संतान नहीं है। आगे देखो, अतः इस तकलीफ दे विषय पर बातचीत करने का इरादा छोड़ दिया। किसने? लेखिका ने। यानी लेखिका समझ गई जो ये बब्बन मियाँ है ये कारीगर है, यानी कि मियाँ नसरुद्दीन के कोई बच्चे नहीं है, मियाँ नसरुद्दीन है जो क्या है, निसंतान है, और इस तकलीफ दे यानी इस जो उनको जो तकलीफ पहुंचा रहा था ये विषय मियाँ नसरुद्दीन को, इस विषय पर बातचीत करने का इरादा अब लेखिका ने छोड़ दिया। नसरुद्दीन ने बताया कि मियाँ शागिर्द ही नहीं है, शागिर्द का अर्थ होता है बच्चों शिष्य, शागिर्द का अर्थ होता है शिष्य, यानी मियाँ नसरुद्दीन उनके गुरु हैं और वो उनके शागिर्द हैं। वो उन्हें पूरी मजदूरी दी जाती है, यदि बब्बन मियाँ नसरुद्दीन के बेटे होते तो उन्हें मजदूरी क्यों दी जाती,
यानी यहाँ लेखिका ने स्वयं ही सोच लिया कि जरूर ये मियाँ जो बब्बन है ये नसूद इनके बेटे नहीं है। यदि ये इनके बेटे होते तो शिष्य के साथ साथ इन्हें मजदूरी नहीं दी जाती, क्योंकि मियाँ नसरुद्दीन कह रहे हैं ये केवल हमारे शागिर्द ही नहीं है बल्कि ये हम इनको पूरी मजदूरी भी देते हैं। अतः लेखिका उनके इस कथन से ही सब कुछ समझ गई। प्रसंग बदलते हुए यानी ये जो कथन था ना कि ये हमारे केवल शागिर्द ही नहीं है हम इनको पूरी मजदूरी देते हैं, इसी बात से ही लेखिका समझ गई कि बब्बन मियाँ उनके बेटे नहीं हैं। इस सब को समझने के पश्चात उन्होंने प्रसंग को बदला और जो लेखिका थी उन्होंने प्रश्न पूछा कि आपको यहाँ कौन कौन सी रोटियाँ बनानी, आपके यहाँ कौन कौन सी रोटियाँ बनती है, यानी उन्होंने उस प्रसंग को या उस विषय को बिल्कुल ही बदल दिया और ये पूछ लिया कि आपके यहाँ कौन कौन सी रोटियाँ बनती है। और जब प्रसंग बदल गया तो मियाँ नसरुद्दीन सहज हो गए, यानी कि अब उन्हें मियाँ नसरुद्दीन को भी इस चीज़ का आभास होने लगा कि लेखिका मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ ज़्यादा जानना नहीं चाहती है। बच्चों अगला प्रश्न देखो, पाठ में मियाँ नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। अब देखो कैसे शब्द चित्र खींचा है, शब्द चित्र क्या होते हैं यानी किसी के मतलब किसी की आकृति का जब हम वर्णन कर देते हैं अपने शब्दों के द्वारा और जब उन शब्दों को हम अपने मन में भाव के द्वारा लेते हैं तो वो जो चित्र है वो हमारे सामने शब्दों के रूप में आ जाता है। तो देखो मियाँ नसरुद्दीन का जो शब्द चित्र है वो लेखिका ने किस प्रकार खींचा है। मियाँ नसरुद्दीन 70 वर्ष के एक वृद्ध व्यक्ति थे जो कि मशहूर नानबाई थे। यदि हम सोचें अभी हम दो मिनट के लिए सोचें हमको किसी 70 साल के एक वृद्ध व्यक्ति के बारे में सोचना है तो अनायास ही हमारे सामने एक झुर्रियों वाला चेहरा आ जाएगा ना। और उनकी दुकान मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले में थी, यानी मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले में थी, नाम बहुत पुराना है तो पता चल जाएगा पुरानी किसी गलियों में ये दुकान थी। 56 तरह की रोटियाँ उनकी दुकान पर बनती थी, यानी कि रोटी बनाने वाली जो दुकान है यानी एक किचन है उसका कैसा वातावरण होता है, जगह जगह से वो काली हो जाती है क्योंकि धुआं निकलता है, लकड़ियाँ रखी रहती है, कोयले रखे रहते हैं, भट्टियाँ बनी हुई रहती है, बड़ी बड़ी पराते होती है जिनमें आटा साना जाता है। तो बच्चों ये सब चीज़ क्या है, शब्द चित्र अपने आप ही वो चित्र हैं जो हमारे दिमाग में उभरने लगते हैं। जब लेखिका ने उनकी दुकान में झाँका तो पाया कि मियाँ नसरुद्दीन चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों से काइयाँ भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तीवर, यानी अब मियाँ नसरुद्दीन का जो शारीरिक आकृति है उसका यहाँ वर्णन किया गया है, यानी कि मियाँ नसरुद्दीन चारपाई पर बैठे हैं उसी दुकान के अंदर बीड़ी पी रहे हैं, मौसमों की मार से मतलब समय की मार से और उम्र का जो तकाजा है उससे उनकी चेहरा है जो आँखों से काइयाँ भोलापन, काइयाँ का मतलब होता है चंटपन, चतुरपन उनकी आँखों से दिखाई देता है। वैसे वो भोले हैं लेकिन जब उनकी आँखों की तरफ गहराई से देखा जाता है तो लगता है इनकी आँखों में बहुत ही चतुरपन है या चंटपन है। और पेशानी यानी मस्तक पर मंजे हुए कारीगर के तेवर, यानी जो एक इंटेलिजेंट कारीगर होते हैं, जो होशियार कारीगर होते हैं, उसके जो तेवर है वो दिखाई दे रहे थे। मुंह में कुछ ही दांत शेष बचे थे क्योंकि 70 साल की उम्र थी। यही शब्द चित्र मियाँ नसरुद्दीन का लेखिका ने खींचा है। तो देखो बच्चों ये जो शब्द चित्र है यानी जो शब्द बताए गए हैं वो चित्र के रूप में हमारे सामने आए हैं। तो पाठ में मियाँ नसरुद्दीन का इस प्रकार का शब्द चित्र लेखिका के द्वारा खींचा गया है। तो देखो बच्चों हमारा जो ये पाठ था जिसे हम शब्द चित्र भी कह सकते हैं, जो हम अस्मत से लिया गया था, लेखिका थी कृष्णा सोबती, हमने उन लेखिका का जीवन परिचय पढ़ा, उनका कृतित्व पढ़ा और बच्चों उनके द्वारा लिखा गया ये शब्द चित्र हम अस्मत से लिया गया मियाँ नसरुद्दीन इसके बारे में पढ़ा और हमने एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि 70 साल के हैं और अपनी कला में बहुत पारंगत हैं उनके बारे में हमने जाना। तो बच्चों आप मियाँ नसरुद्दीन की जो हमारा पाठ है जिसके अंदर जो कठिन शब्द आए उन कठिन शब्दों को समझने का प्रयास करें, जो शब्दार्थ मैंने आपको यहाँ समझाए हैं उन शब्दार्थ को समझें और इन अभ्यास प्रश्नों को करने का भी प्रयास करें। धन्यवाद बच्चों।